अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे डिफरेंस बिटवीन एपीएम वर्सेस सिलेंड्रॉइड। एपीएम वर्सेस सिलेंड्रॉइड जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। एपीएम जो है वो ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो सपोर्ट कर रहा है आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म को। पर सिलेंड्रॉइड जो है वो टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है जो ओनली सपोर्ट कर रहा है सिंगल एंड्रॉइड को। सेकेंड, एपीएम में जो है वो स्मॉल चेंजेस हैं जो नॉट रिक्वायर कर रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन को। बार सिलेंड्रॉइड रिक्वायर कर रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन को। थर्ड क्या, एपीएम जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिव कम्युनिटी है, सिलेंड्रॉइड की जो है वो नॉट स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है लाइक एपीएम की तरह। एपीएम जो है वो सपोर्ट कर रहा है मैनी फ्रेमवर्क और लैंग्वेजेस। सिलेंड्रॉइड जो है वो कंपेटिबल है विद जेंकिंस और सिलीनियम के साथ। एपीएम जो है वो डज नॉट रिक्वायर एप्लीकेशन सोर्स कोड लाइब्रेरी है, वाइल सिलेंड्रॉइड जो है वो रिक्वायर्स एप्लीकेशन सोर्स कोड और लाइब्रेरी है। एपीएम जो है वो सपोर्ट कर रहा है ऑल एंड्रॉइड एपीआईज विद द लिमिटेशन के साथ। एपीएम जो है वो यूज कर रहा है यूजर इंटरफेस ऑटोमेटर for the task running on API is equal to 7, while the older API it runs testing using Cylindroid। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।